गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन। मैंने ना आज नोटिस किया है, मैं जब भी व्लॉग करने का ट्राई करता हूँ, जब भी व्लॉग करता हूँ तब यही पहनता हूँ मैं। एनी हू, कौन ही जज कर रहा है। ओके, सो आज की अभी टाइम हो गया है 11:31 हो गया है। अभी मैं जा रहा हूँ सीयूटा डे ओलंपिया, विला ओलंपिया ऐसा कुछ जगह है। जो भी हो, उस जगह पे एक लाइब्रेरी है, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रोजेक्ट का, थोड़ा रिसर्च काम बाकी है। मतलब एक ऐसे असाइनमेंट काइंड ऑफ दिया था, तो वो करने जाना है। एक सेकेंड, निकल के बात करते। ओके, सो अभी मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, तो वहाँ पे वो कुछ मतलब ऐसा है ना कि संडे ना पुष्किन लोग भी वहाँ पे ऐसे जो भी कॉलेज का काम होता है ना, तो वहाँ लाइब्रेरी है एक। एक्चुअली एक कैफ़े में जाने वाले थे, उस कैफ़े में ना ऐसे बहुत सारा अच्छे से काम होता है, पर वो कैफ़े संडे को बंद रहता है। सो व्हाट वी आर थिंकिंग इज एक लाइब्रेरी में जाते हैं, ठीक है। थोड़ा ग्रुप बेस्ड प्रोजेक्ट भी है, तो दो तीन ऐसे डिस्कशन भी हो जाएगा। एंड वो लाइब्रेरी में जाके थोड़ा सा काम ख़त्म करते हैं। आज संडे है, मंडे से फिर से क्लास, मतलब मंडे तो मेरा ऑनलाइन क्लास है घर पे, ट्यूसडे से फिर से वो नॉर्मल जो भी रात वाला क्लास होता है। तो या इसीलिए हम थिंकिंग कि वहाँ पे जाता हूँ अभी, फिर थोड़ा सा काम ख़त्म करते हैं, फिर देखते हैं। मुझे लगा कि आज बहुत दिन ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया, लास्ट वाला ब्लॉग वही था जो भी फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज था, राइट। तो सेकेंड डे ऑफ कॉलेज बेसिकली ट्यूसडे का, तो बहुत दिन ब्लॉग नहीं किया, तो सोचा थोड़ा ब्लॉग करते हैं। तो लेट्स सी कैसा जाता है पूरा जर्नी, आई विल अपडेट यू। अभी पुष्किन ने बुलाया है 12 बजे उस लाइब्रेरी में, क्योंकि मैंने कभी लाइब्रेरी में गया नहीं, तो पहले दिन उसके साथ जाते हैं। तो लेट्स गो, आई विल सी यू। वैसे मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, तो पेट पूरा फुल है। अभी लंच शायद बाहर ही करेंगे, क्योंकि टाइम तो ऑलमोस्ट 12 हो गया। तो सी यू। फाइनली रीच द प्लेस। ये कुछ सीयूटा विला ओलंपिका, जो उस दिन मैं एक दिन आया था, एक इंस्टाग्राम में फ़ोटो भी है, बट उस दिन मैंने व्लॉग नहीं किया था। यहाँ उस तरफ ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग के उस तरफ बीच है, मतलब प्रॉपर बीच और बहुत सारे यॉट्स वगैरह है। ये एरिया बहुत अच्छा है, देखो, मतलब यहाँ पर सब एरिया अच्छा ही लगता है। मेरा वाला बस सबसे पुराना वाला एरिया है, वो भी अच्छा ही लगता है वैसे। एनीवेज, पता नहीं धूप के वजह से आ रहा है कि नहीं, मेरा शक्ल अभी आ रहा होगा, मतलब पूरा से ये कर दे, कंट्रास्ट कर देता तो आ जाता है। बस वही, अभी मैं पुष्किन का इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक है। वो आएगा, वो ये वाला जो एग्ज़िट है ना, उसमें आने बोला है, तो ये वाला एग्ज़िट आएगा। दूसरा वाला वहाँ पर है, पास ही में है, वही है। तो बस अभी वहाँ से जाएंगे लाइब्रेरी में, तो बाकी ऐसे बात बात नहीं कर सकता, ऑब्वियस सी बात है। तो लाइब्रेरी के बाद क्या सीन है पता करते हैं, फिर आज वैसे काम पे ही मतलब ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि काम ही है, क्योंकि कल मुझे बहुत टाइम नहीं मिलेगा, मतलब मिलेगा कल जस्ट आधे घंटे का एक घंटे का एक क्लास है, उसके अलावा मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। सो आज ख़त्म करते हैं, फिर बाकी सब प्रिपरेशन, इतना तो ज़्यादा हेक्टिक है नहीं, खैर एक ही सब्जेक्ट का है, तो जल्दी से करते हैं। फिर आज शायद लंच बाहर ही करेंगे, देखते हैं क्या करते हैं। I'll update you on scenes. Oh,
सो गाइस अभी लाइब्रेरी से आ गए आके ना मैं उस दिन ये वाला एरिया में आया था, मैंने व्लॉग नहीं किया था। एंड दिस प्लेस इज सो गुड, प्रॉपर बीच देख रहे हो, बार्सिलोना वाला बीच, पीपल आर प्लेइंग वॉलीबॉल। अभी भी मतलब समर में तो अलग ही सीन होता है, अलग लेवल का सीन होता है, मतलब लोग ऐसे बोले हुए हैं समर में तो अलग लेवल का। ये देखो पूरा रेत, प्रॉपर रेत। और यहाँ पे ना बार्सिलोना में ऐसे बीच सराउंडेड बीच है, मतलब एकदम पूरा एरिया बीच है, मतलब ऐसे दो तीन एरिया पूरा प्रॉपर बीच बीच है। तो ऐसे सोचा थी थोड़ा काम वाम किए, फिर लंच किए, लंच करने के बाद सोचा थोड़ा सा ऐसे चिल करने, मैं और पुष्किन, पुष्किन आगे, मैं और पुष्किन थोड़ा सा ऐसे घूमने आगे। तो लेट्स सी, थोड़ा ऐसे नज़ारे को टारते फिर चलते। बढ़िया वॉलीबॉल्स चल रहे, देखो अफ्रीको वॉलीबॉल्स, लोग चिल कर रहे हैं बैठ के। यहाँ अभी ना आज का धूप बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे कपड़े वपड़े पहन के ऐसे बैठ नहीं सकते, नहीं तो क्या बढ़िया लगता है। बीएस बीच रहे पुष्किन, पानी चुना है आज, आज मेडिटेरियन सी हो जाए। ए ये हो रहा है फिशिंग, फिशिंग फिशिंग हो रहा है, देखो हो रहा, आ जाओ पानी चूते, मेडिटेरियन सी। जूता भीग जाएगा, हाँ एटलीस्ट पानी छुए तो। क्या बोला तूने? यहाँ पे ना ऐसे स्वेटर वेटर पहन के अच्छा नहीं लगता, अजीब अजीब लगता है। नहीं नहीं स्वेटर नहीं निकाल सकते अभी, इतना औकात नहीं है यार, लोग निकालते होता है। हम लोग आएंगे ऐसे टॉपलेस, हम लोग आएंगे यहाँ पे, पुष्किन ने वादा कर दिया है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे टॉपलेस आएंगे। यू अच्छा होता है यार, लोग सही में ऐसे चिल कर रहे हैं, मज़ा आता है, ये अच्छा होता है। मेरे को भी ये मन कर रहा है, मेरे को भी पता है गाइस, जूता खोल के ना यहाँ पे ऐसे जाने को मन कर रहा है, पर वो हिम्मत नहीं हो रहा है आज ना, ऐसे बैग वैग जैकेट वैकेट सब कुछ है ना, लैपटॉप वैपटॉप सब कुछ है, तो मन नहीं कर रहा है। आएंगे यहाँ पे, आएंगे यहाँ पे, मैं और एक दिन आया था, उस दिन व्लॉग नहीं किया था, फिर आज आए, आज तो यही पास में हम लोग का लाइब्रेरी था, तो सोचा कि थोड़ा सा ऐसे चिल करने आ गया। अच्छा है, लोग बहुत चिल कर रहे हैं अभी, इतना ठंड में भी लोग चिल कर रहे हैं, समर में तो कुछ अलग ही सीन होने वाला है। सही है, चलो वी विल लीव नाउ, अच्छे से अभी ज़्यादा टाइम रहेंगे नहीं, जाएंगे फिर घर, देखते क्या अलग करते हैं शाम को, कुछ कोई आइडिया है नहीं, लेट्स सी। फोटो खींच रहे थे ऐसे ऐसे एक साथी चाहिए, अरे यूट्यूबर्स के साथ में, यूट्यूबर्स तो नहीं, मुझे यूट्यूबर्स नहीं बुलाना चाहिए, एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर तो हो जाए, उसके बाद यूट्यूबर्स यूट्यूबर बोलते हैं। नहीं हो रहा है, बहुत साल हो गया, 2-3 साल हो गए, वैसे कंसिस्टेंट भी नहीं हूँ मैं। एनी हू गाइस देखो क्या बढ़िया लोग चिल कर रहे, चिल बच्चे को देखो जाओ पे चले रहना है थुल्ले आ गए, थुल्ले आ गए गैस, थुल्ले देखो, थुल्ले का गाड़ी, थुल्ले चेक करने आते क्या कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, यहाँ पे इलीगल चीज ही क्या है, सब कुछ तो लीगल है, थुल्ले देखने क्या आता है, कोई किसी का मर्डर नहीं कर रहा है? ड्रग दारू तो लीगल है हर जगह, बैठ के पब्लिक में नहीं, पब्लिक में नहीं है, लीगल ही नहीं अलाउड,
नहीं पर वैसे तो ग्रासिया में मैंने देखा था हर रोज लोग रस्ते में भी दारू पी रहे बैग उठा के लेके जाने वाले भी बहुत होते हैं। हाँ ये है, यहाँ पे पिक पॉकेट्स बहुत होते हैं। वो तो है गाइस, ये ना एक दिन ऐसे एक सेल बोट लेना है, फिर वहाँ बीच में जाके कुछ नहीं करना है, बोलेंगे नहीं मैं व्लॉग में, चिल करना है, कुछ नहीं करना है बीच में जाके ना चिल करना है और कुछ नहीं करना है। ये काइकिक्स या क्या बोलते हैं इसको, काइकिक्स या कुछ तो बोलते हैं ना, नहीं सेल बोट ही है ना, सेल बोट ही है ना। यार गाइस इसमें जाना है, देखो सेल बोट देखो क्या बढ़िया है, ऐसा एक लेंगे समर के टाइम पे तो अलग मस्ती होने वाला है गाइस, अलग मस्ती। देखो लोग अभी इतने ठंड में पानी में डूबे हुए हैं भाई, कब औकात होगा ऐसा एक यॉट लेने का। अरे वो भी बेडरूम वाला यॉट है, देखो ये, हाँ ये सामने वाला, हाँ हाँ वो वाला हाँ। ये नहीं तो, ये तो छोटा ही है वैसे। हाँ फिर भी छोटा है वैसे। अरे उस तरफ से देखना, मैं अभी जाते टाइम देखेंगे, उस तरफ से है पता है बहुत ज़्यादा। अच्छा चलो गाइस बाय बाय हो गया अभी। मेरा ये वाला लाइन है, उसका वो वाला लाइन है, ही इज़ गोइंग दिस वे, आई एम गोइंग दिस वे, और नहीं मैं जा रहा हूँ इस तरफ, वो जा रहा है इस तरफ, उन लोगों का वो ट्रेन आ गया। और बस वही सीन है, अभी घर ज़्यादा कुछ नहीं है, चाय वाय पियेंगे, फिर मम्मी लोगों को कॉल करना है, चाय पीना है, फिर घर जाना है। सो गाइस फाइनली रीच होम, अभी हो रहा मेरा मेट्रो स्टेशन, जस्ट मेट्रो से आए, एंड आज का दिन काफ़ी अच्छा गया यार, काम भी हुआ, पढ़ाई भी हुआ, जो भी क्वेश्चन बना रहा था वो भी हो गया, फिर और क्या काम था, हाँ फिर वहाँ से हम लोग खाने गए, खाने के बाद बीच में थोड़ा चिल किए, अच्छा लगा, दिन आ गए। सो या छोटा सा व्लॉग था पर अच्छा व्लॉग था। तो मैं गाइस ट्राई कर रहा हूँ, जैसे उस दिन मेरे को इंस्टाग्राम में कौन मैसेज किया था, कोई अतुल करके एक बंदा था, अटोल इफ यू वॉचिंग, उसने मैसेज किया था कि भाई आप क्यों व्लॉग नहीं बनाते हो। यार ऐसा है ना, इतना काम है ना, देखो संडे को भी मैं सुबह से काम ही कर रहा था, थोड़ा सा ऐसे लंच के बाद मैंने बीच में गया, तो ऐसा है ना कि बहुत सारा काम होता है, लाइक इतना हेक्टिक क्लासेस, फिर क्लासेस का भी ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लासेस होता है, क्लासेस तो रात को होता है, फिर दिन भर ऐसे काम होता है, फिर दिन भर प्रोजेक्ट्स होता है, जो लाइव प्रोजेक्ट्स होता है, तो उन सब में काम करना होता है, तो हेक्टिक में ना ऐसे व्लॉग नहीं होता है, जो नॉर्मल डेज होता है ना उसमें क्या ही दिखाऊँगा। सो या एनी वे आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं बहुत अच्छे से व्लॉग वॉक करूँ। गाइस एग्जॉस्ट देखो आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट। चलो मैं घर पहुंच गया, होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, मैं ये बयान करूँगा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन, आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो, एंड इफ यू डिड डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक एंड द सब्सक्राइब बटन, एंड ऑल्सो कॉमेंट डाउन बिलो योर सजेशन, मैं कैसा वीडियोज बनाऊँगा, कैसा वीडियोज बनाना चाहिए, कुछ अलग चाहिए तो गाइस देखो मेरे तरफ आ रहा है मेरा गान पट्टा। एनीवे चलो बाय बाय, आई विल सी यू इन अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।